दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों में शामिल विश्व मुस्लिम लीग के प्रमुख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा जब भारत आए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखकर हैरान रह गए। सबसे ज्यादा उत्साहित वो इस बात से थे कि कैसे कई धर्मों का देश भारत मिलकर रह रहा है। इस्लाम के प्रति प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को वो बता रहे थे कि ये भारत वो भारत नहीं है जिसका प्रचार कुछ नकारात्मक शक्तियों द्वारा किया जाता है, बल्कि असल में बहुत अलग है। अलीसा ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शानदार मिसाल है। दुनिया को भारत से शांति के बारे में सीखना चाहिए। 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के पूर्व न्याय मंत्री और मक्का स्थित मुसलमानों के सबसे प्रभावशाली संगठन मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव अलीसा ने कहा कि भारत के मुसलमानों को भारतीय होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सह अस्तित्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इवेंट में अलीसा के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक इवेंट के दौरान बोलते हुए अलीसा ने कहा, हम जानते हैं कि मुस्लिम भारत की विविधता का एक अहम हिस्सा है। भारत के मुस्लिमों को अपने भारतीय होने पर गर्व है। धर्म सहयोग का एक जरिया हो सकता है। हम समझ विकसित करने के लिए हर किसी से बात करने के लिए तैयार है। भारत ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। भारत सह अस्तित्व का दुनिया में सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने भारत के गौरवशाली इतिहास की तारीफ करते हुए कहा कि संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने कहा, हम भारत के इतिहास और विविधता की तारीफ करते हैं, संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करना समय की मांग है। विविधता संस्कृतियों के बीच बेहतर रिश्ते कायम करती है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। विविधता में एकता एक बेहतर रास्ता है। हिंदू समुदाय में मेरे बहुत से दोस्त हैं। उन्होंने भारत के संविधान की तारीफ करते हुए कहा कि सहिष्णुता हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र है, बावजूद इसके इसका संविधान धर्म निरपेक्ष है। हम धर्मों के बीच में समझ को मजबूत करना चाहते हैं। विश्व में नकारात्मक विचार फैलाए जा रहे हैं और हमें एक समान मूल्यों को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। बता दें, मुस्लिम वर्ल्ड लीग का दुनिया भर के मुसलमानों के बीच बड़ा प्रभाव है। अलीसा भी विश्व के मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के बीच ईसा का भारत आना, बड़े नेताओं से मिलना बहुत बड़ा माना जा रहा है। अलीसा के दौरे से राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।